फुल लोडेड गाड़ी है। मैं कह रहा हूँ कोई देख के पहचान नहीं पाएगा कि बेस मॉडल है। 15,000 रुपए की हेडलाइट आ जाता है, अलॉय व्हील हमने फिटिंग करके दिए 25,000 रुपए के कॉस्टिंग, जादू के छरी इसका नाम हमने रखे हैं। ये देखो वाइपर चल गया, देखते हो पानी प्रॉपर आ चुका है इसके अंदर। यार क्या यार लगा के दे देता महिंद्रा कंपनी एक तरीके से। ये देखो ये डोर पैनल होता है, लग के मिलता हमें क्लासिक है, इसके तोड़ के फेंक ही देंगे अब हम। ये देखो हल्का सा फोल्ड करते टूट गया है, ठीक है। ठंड भी हो रही है, जलाने के काम आएगा, इसी काम का नहीं है। हमने डोर पैनल लगा दिए क्लासिक S11 वाले, S11 वाले 22,000 का डोर पैनल आपको कंप्लीट मिलने वाला है। एम तो सेम है S11 में जो आ रहा है। हाँ अब देखो तो चामुंडा भैया बैठ के आराम कर रहे हो। बैठ के आराम कर रहा हूँ फिर। अरे भैया दुनिया ने सब चीज दिखा दिया होगा, आज तक किसी ने कैप्टन सीट नहीं दिखाया होगा। स्कॉर्पियो के डिक्की वाली कैप्टन सीट है, देख सकते हो बीच वाली भी है कैप्टन सीट। आप बोलोगे जी पुराने हम नहीं लेकर के आते हैं, ब्रांड न्यू चेक कर लो। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जे ऑटो रामा रोड, बिल्कुल, और लेट नाइट आए हुए हैं। तो चामुंडा भैया ने नींद खराब कर दी, क्यों करी है पहले बताओ। अब क्या करूँ, वीडियो शूट करना था, इतनी अच्छी गाड़ी तैयार हुआ है, ठीक है, वीडियो शूट भी। और गाड़ी कौन सी तैयार हुई है अपने? क्लासिक तैयार हुआ है, क्लासिक है, स्कॉर्पियो क्लासिक एस। हाँ ठीक है, तो एक ये खड़ी है अपने पास, एक खड़ी है, ठीक है, एक सामने व्हाइट कलर की है, मतलब दो बाहर खड़ी हुई है, ये रहा एक तीसरी, ये तीसरी है, दो जा चुकी है, एक एरा, ठीक है। एक रॉ कंडीशन कैसी होती है? रॉ कंडीशन एरा UP55 गाड़ी है, अभी देख सकते हो पूरी गाड़ी तो हमारी क्लासिक एस ऐसी आती है, ऐसी आती है, देख सकते हो पूरी गाड़ी साइड से भी, ठीक है। इसका बंपर क्लैडिंग साइड क्लैडिंग वगैरह सारा पेंट पे गया, क्योंकि ये मैट ब्लैक में होता है। हाँ ये हमने पेंट पे भेज दी है पूरी गाड़ी, देख सकते हो साइड के फुटरेस्ट भी इसमें लगा हुआ है। अभी फुटरेस्ट अभी लगा दिया हमने पहले, और आगे फ्रंट से देख सकते हो किस तरीके से, और मेन पावर विंडो के काम के लिए भी है। हाँ सारा काम होना, ठीक है। ये तो ये रॉ कंडीशन है। हाँ ठीक है, अब बोलोगे जब ये रॉ कंडीशन है खुल जिस तरीके से खुल गया था, वो काम होने के बाद कैसा दिखता है, ठीक है। तो दिखाऊं? दिखाओ। ये तो वाइड है, मैं दिखाता हूँ ब्लैक कलर जो मैंने पूरी तैयार किया, ठीक है। ऐसे ही सेम काम, ये जो ब्लैक जो अब दिखाएंगे हम वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, वो ऐसी थी। हाँ। तो आप दिखाते हैं ये कन्वर्ट होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद मैंने कैसी तैयार किया मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है फाइनल आउटपुट, ये भी क्लासिक एस थी पहले, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा था रॉक कंडीशन किस तरीके से था गाड़ी, हमने पूरी एक एक चीज डिटेल में दिखा दिया था। अब हुआ है हमारी फाइनल टच, ठीक है। फाइनल होने के बाद में कैसे लुक निकलता है मैं आपको एक एक चीज डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, और एक एक चीज आप बारीकी से देखना और वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि एक एक चीज की डिटेल आपको पता चलने वाला है आज की वीडियो में, ठीक है। फ्रंट से इसमें क्या क्या चेंजेस करे अब हम आपको, अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या चीज की कमी दिख रहा है? किसी भी चीज की कमी नहीं लग रही फ्रंट दिख से। रहा किसी चीज की कमी? फुल लोडेड गाड़ी है, मैं कह रहा हूँ कोई देख के पहचान नहीं पाएगा कि बेस मॉडल है। बेस जैसे बॉडी पेंट तो हमने कर दी है इसके अंदर, ठीक है हमने करा है। हाँ हमने पेंट की फैसिलिटी, ये देख क्वालिटी देखो, बस 15,000 रुपए में बॉडी पेंट, बॉडी पेंट हो जाता है। बिल्कुल आजकल तो लोग 12,000 रुपए के भी कर रहे हैं, पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ठीक है। हाँ तो बॉडी पेंट तो हो गई, बॉडी पेंट हो गया। होती है अपना ये स्किड भी, हम स्किड इसी के साथ होता है। देते हैं। तो देख सकते हो स्किड, ठीक है, और फॉग लैंप भी नहीं आता, DRL हेडलाइट और ग्रिल, ठीक ये है। हमारा फ्रंट से पूरा लगने के बाद में पूरी की पूरी S11 लुक आ जाता है। तो कंप्लीट एक S11 का लुक आ गया फ्रंट से, बिल्कुल, ठीक है। अब बोलोगे कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, तो मैं प्राइस भी शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने पेंट के 15,000 रुपए आपको बता दिया, ठीक है, 2,200 रुपए के फॉग लाइट आ जाता है, 8,500 रुपए के DRL आ जाता है, ठीक है, और 15,000 रुपए की हेडलाइट आ जाता है। तीनों की कॉस्टिंग बता दी, ग्रिल 1,800 रुपए की आ जाता है। ये तो हो गया हमारा फ्रंट प्रोफाइल। अब साइड प्रोफाइल में हम आते हैं, तो साइड प्रोफाइल में देख लो एक बार किसी चीज से कमी, इसमें भी दिख रहा है साइड से? तो साइड से भी आपको किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। ये देखो जो स्कॉर्पियो लिखा हुआ आता है, ये भी प्रॉपर सिल्वर। और एक चीज मैं बताने वाला हूँ आपको, मैं कहीं अंधेरे में वीडियो शूट करके नहीं दिखा रहा हूँ, जो कमी कुछ होगा तो अंधेरे में छुप जाएगा। इतनी लाइटिंग के बीच अगर कुछ भी कमी होगा तो कैमरे में आ जाएगा, कहीं से कुछ भी कमी नहीं दिखने वाला। आपको लग रही है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल कमी दिखने वाला नहीं है, बिल्कुल देख सकते हो पूरी लाइट ऑन है, ठीक है। तो साइड से दिखाओ चामुंडा भैया क्या साइड से, तो ये पेंट में हमारा पूरा आएगी है साइड की लाइटिंग, साइड पेंट के साथ हमारा सिल्वर टचिंग भी हो गया इसमें, ठीक है। ये भी हम सिल्वर करके देते हैं। हाँ और नीचे स्कॉर्पियो भी आपको सिल्वर में दिखेगा, ब्लैक पेंट नहीं मारा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। अलॉय व्हील हमने फिटिंग करके दिए हैं 25,000 रुपए के कॉस्टिंग में, ठीक है, 25,000 में, 25, कभी इसका रेट 22 भी आ जाता है, कभी 27 भी चला जाता है, अप डाउन जाता रहता है, अप डाउन। तो इसके लिए इसका रेट आप कंफर्म कर लिया करो,
ठीक है हाँ, तो साइड मिरर चेंज करा हुआ है, साइड मिरर हमारा लग गया है, ऑटो ORVM ठीक है, एडजस्टिंग आता है, फोल्डिंग नहीं आता है, फोल्डिंग इसमें नहीं आता, हम वही काम करते हैं जो टॉप मॉडल में आता है, उससे ज्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। और मेन रिक्वायरमेंट होती है स्कॉर्पियो में चढ़ने के लिए फुटरेस्ट, साइड के फुटरेस्ट कॉर्नर टू कॉर्नर दिख गया होगा आपको, और इसमें जितनी मर्जी वेट, दो आदमी तो एक साइड से खड़े हो सकता है, ठीक है हाँ। रूफ रेल हमने फिटिंग कर दी इसके अंदर, अपना बोल्ट वाला 5500 रुपए पकड़ के झूल जाओ, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग भी बता दी चामुंडा भैया ने, 5500 रुपए, 5500 रुपए बिल्कुल, 5500 नीचे 6500 रुपए में कंप्लीट, ठीक है। तो कंपनी तो इससे ज्यादा महंगा देती है, फुटरेस्ट देती है और कॉस्ट कटिंग, और वो कॉर्नर के साथ भी नहीं आता, मैं दिखा दूंगा दूसरी गाड़ी में, एक और वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि उसमें क्या करके दे रहा है, ठीक है सही है। और साइड मिरर 9500 में आपको प्रॉपर फिटिंग करके मिलने वाला है, ठीक है। ये फिक्स है, इसमें बटन वगैरह इंक्लूड होता है सारी चीज, सब चीज, कोई अलग से इसमें कॉस्ट कटिंग ये नहीं होता कि हमारा ये कॉस्ट कटिंग कर दिया और बाद में मैं इसमें वो स्विच के पैसे अलग से जोड़ रहा हूँ या जो भी है, ठीक है। ये कंप्लीट चार्ज बता रहे हैं, कंप्लीट एक हमने इसमें साइड में थोड़ी सी लुक देने के लिए डोर वाइजर एड ऑन कर दिए, ठीक है, क्रोम लाइनिंग है, हाँ। अब बैक प्रोफाइल की अगर बात करें तो टोटली सिर्फ इसमें ब्रेक लाइट की कमी रहने वाला है, S11 में ऐसे भी नहीं आता, क्लासिक S11 में, न्यू वाली में नहीं आता, नहीं आता, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, वो आप एक एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। 5500 रुपए में स्पॉइलर फिटिंग कर दी है, ओरिजिनल देख सकते हो वाटर स्प्रे के साथ, ठीक है, वाटर स्प्रे के साथ आता है ये, वाटर स्प्रे में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और वाइपर भी इस वेरिएंट के अंदर नहीं आता, ये जादू की छड़ी इसका नाम हमने रखे हैं, ठीक है, ये वाइपर प्रॉपर वर्किंग करेगा ऑटो कट फंक्शन के साथ, बिल्कुल, वो भी मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा। कैमरा हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, बंपर पट्टा लगा दिया और इनका सेफ्टी गार्ड बाहर से लग करके आया था, ठीक है। रिफ्लेक्टर भी हमने ऐड ऑन करे, हमने ऐड ऑन कर दिए और पिलर लाइट। अब मैं इसकी पूरी स्कैन फीचर दिखाता हूँ, ठीक है, और देखो क्लासिक S11 अप करूंगा, ठीक है, अप करोगे, हाँ S11 अप करूंगा। अब लास्ट में बैज लगाएंगे चामुंडा भैया, तो एक बार हमारी पूरी स्कैन फीचर देख लो, स्कैनिंग मोड आता है इस पिलर लैंप में, हाँ स्कैनिंग मोड आता है, डिप डिप वाला है, आप देखना इसमें पूरी डिप फंक्शन काम करेगा। और अगर आपको चाहिए टेल लैंप्स तो वो भी अवेलेबल है, स्कैनिंग वाली टेल लाइट भी अवेलेबल है हमारे पास, आफ्टर मार्केट आई है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब इंडिकेटर फंक्शन भी है इसके अंदर, हाँ येलो इंडिकेटर फंक्शन, तो ये देखो इंडिकेटर में ये आता है, ठीक है। और वाइपर देख सकते हो आप, तो वाइपर की वर्किंग दिखाते हैं, ये देखो वाइपर चल गया और वाटर स्प्रेयर, तो देख सकते हो पानी प्रॉपर आ चुका है इसके अंदर, ये तो हमारा वाटर स्प्रे हो गया। अब ये ऑटो कट के फंक्शन दिखा रहा हूँ, चलो मैंने बंद कर दिया, ठीक है, चामुंडा भैया ने ऑफ कर दिया, वो अपनी पोजीशन अपनी जगह पे जाकर रुक गया, ये होता है ऑटो कट, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरी की पूरी बैक प्रोफाइल दिखा दी, अब दिखाता हूँ बैक प्रोफाइल में अंदर की तरफ से, ठीक है, तो अंदर से दिखाते क्या चेंज करा हुआ हमने। बस इसमें हमने पाइनियर का 400 वाट की ओवल लगा दिया, ठीक है, ओवल स्पीकर्स लगाए, एक हमने फ्लोरिंग के ऊपर हमने मैट डाल दिया, पहले फ्लोरिंग करी है पूरी गाड़ी में, हाँ। यहाँ पे स्पेस इसलिए दिया कि स्पेयर व्हील निकाल सको, स्टेपनी व्हील निकाल सके, हाँ। और ये 70 मैट हो, ठीक है। एक बार मेरे को सीट कवर भी दिखा दो पीछे से, जो लास्ट रो है ये हर कोई दिखाता नहीं है, तो हम दिखाते हैं इसकी फिटमेंट, ये देखो ये धागा की छटिंग करवा देता हूं अभी, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्रेड निकल रखा है, ये वो थ्रेड नहीं है कि फटने वाला है, थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रेड है, अभी निकलवा देता हूं मैं, ठीक है। ये फिटमेंट है हमें मिलने वाली है, तो एक बार अब बाहर से तो दिखा दिया, इंटीरियर दिखाते हैं, अब मैं दिखाता हूँ इंटीरियर, ले चामुंडा भैया इंटीरियर दिखा दे, हाँ इंटीरियर दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो डोर पैनल की फिटिंग, ठीक है, ये देखो S11 वाले डोर पैनल, इसके वाले डोर पैनल कहाँ गए यार, क्या यार लगा के देता महिंद्रा कंपनी एक तरीके, ठीक है। ये देखो ये डोर पैनल होता है, लग के मिलता हमें क्लासिक एस के अंदर, पूरे का काम होता है देख सकते हो बिल्कुल, इसे तोड़ के फेंक ही देंगे अब हम, ये देखो हल्का सा फोल्ड करते टूट गया, ठीक है। ठंड भी हो रही है, गोबर का, ठीक है, ठंड भी हो रही है, जलाने के काम आएगा ये, ठीक है, वेस्ट है, अभी किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। हमने डोर पैनल लगा दिए क्लासिक S11 वाले, S11 वाले, यहाँ तक कि हमने टूटर सेस भी, ठीक है, S11 वाले लगा कर दिए। तो चामुंडा भैया इसके अंदर ऑडियो का कुछ काम नहीं हुआ, हुआ है ना, स्पीकर लगा इसके अंदर, टूटर जो लगा वो अंदर ही हमने फिट कर दिया, ठीक है, इसी के अंदर करा हुआ, अंदर ही फिट कर दिया हमने, बाहर नहीं। तो कस्टमर की नीड थी कि सैश भी चाहिए S11 वाला, बिल्कुल S11 वाली हो गया ना, ठीक है। तो डोर पैनल तो दिखा दिया, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करा हुआ है आपने, ये दिख रहा होगा बिल्कुल एक एम्बियंस लाइट, ये पाइपिंग से दिख रही होगी, ये देखो मैंने ऑन कर दिया, ये देखो ऑन कर दिया तो लाइट जल गई इसके अंदर, रेड कलर हो गया, एक ग्रीन कलर हो गया, ब्लू, ये फोन से चेंज करा हुआ है, ये डोर पैनल में इंक्लूड नहीं होता, ये एक्स्ट्रा में आता है, एक्स्ट्रा में आता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन के अंदर आता है बिल्कुल। बाकी कॉस्टिंग बताते हुए चलते हैं डोर पैनल से,
22,000 रुपए। ठीक है, 22,000 रुपए डोर पैनल आपको कंप्लीट मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने डोर पैनल तो दिखा दिया, उस साइड से आ जाओ इंटीरियर दिखाते। तो एक बार इंटीरियर में दिखाते, जैसे एन में है चामुंडा भैया के लिए ग्रैब हैंडल है, स्कॉर्पियो में नहीं है। अब आपको दिक्कत हो रहा चढ़ने में, दिक्कत हो रहा। ठीक है, कोई नहीं, चढ़ लो। उसके बाद आपको सीट कवर दिखाते हैं इसके। मैं एक बात बोलूं, सीट कवर जितना मर्जी कोई दिखा दे, सीट कवर की गारंटी देता हूं, स्कॉर्पियो क्लासिक में और स्कॉर्पियो एन 120 700 में सीट कवर जैसी हमारी फिटिंग है, आप दिखा दो, एक भी रिंकल्स कहीं भी दिखाओ, सीट कवर फ्री पाओ। फिटमेंट देखो, एन में तो चैलेंज करता हूँ, स्कॉर्पियो में भी चैलेंज करता हूँ, अगर थाई सपोर्ट वाला लगता है, ये अल्ट्रा थाई सपोर्ट है। ठीक है, अल्ट्रा थाई सपोर्ट है। फर्क क्या है? मैं कह रहा हूँ एक रिंकल्स नहीं मिलेगा और लाइफ टाइम की गारंटी मिलने वाला इस चीज होगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा पैडिंग दी होती है, फिटिंग देख लो, 0 to 0। ठीक है, कोई भी आपको थ्रेड्स भी आउट नहीं दिखेगा। मैं कह रहा हूं कि ये बताओगे कि वीडियो में दिखाने के लिए सिर्फ हम फ्रंट दिखा रहे हैं। बैक सीट भी दिखा देते आपको, ये देखो हेडरेस्ट से लेके बाकी फिटमेंट तक एकदम इक्वल रहेगा, कहीं ये नहीं कि पीछे वाली सीट हमने बेकार लगा दी, इसलिए हम लास्ट रो से दिखाते हुए आ रहे थे। बिल्कुल, एक एक चीज दिखाते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, और पीछे का डोर पैनल भी देख लो, ये प्रॉपर न्यू पीस रहता है, ये नहीं कि कोई ओल्ड हो, ये नहीं है कि हम कहीं से भी पुराना खरीद के ला करके लगा रहे हैं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। ठीक है, और ब्रांड न्यू मिलने वाला आपको। और मेन चीज यहाँ पे हमने स्कॉर्पियो की वेलकम लाइट भी इंस्टॉल करी हुई है, और नीचे फ्लोरिंग करी थी और 70 मैट इंस्टॉल करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्विच मिल जाता है साइड मिरर कंट्रोल करने का, वरना डंडी से करना पड़ता था। ठीक है, यहीं से आप इजीली राइट लेफ्ट का ऑप्शन आता है, एक बार कंट्रोल करके दिखा देता हूँ, राइट लेफ्ट अप डाउन इजीली यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये चीज है, यहाँ तो नहीं है बट ये रहा। ठीक है, हमारे स्कॉर्पियो वाले भाइयों के लिए कंफर्टेबल करने के लिए, कंफर्टेबल के लिए हैंडरेस्ट जरूरी है। ठीक है, आर्म रेस्ट होता है नीड, ये इधर लेफ्ट में तो चलो हमारे यहाँ पे हाथ रख लेते हैं हम। ठीक है, बट राइट में चाहिए हमें। ठीक है, मतलब एक दबंग वाला फील आता है ना बैठे हुए आगे। बिल्कुल, देख सकते हो दबंगों वाली बैठने की स्टाइल भी इस गाड़ी में दबंगों वाली। ये नहीं कि चामुंडा भैया ही मजे ले पाएंगे, साथ में जो अपना ड्राइवर चला रहा है वो भी मजे ले सकता है, उनके लिए भी मजे दे रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड मिलता हमें। ठीक है, और इसकी भी फिनिशिंग देखो, और बस 5500 रुपए मिलने वाला दोनों आपको, 5500 रुपए पर स्कॉर्पियो वाले को। ये नहीं कि दूसरी गाड़ी का जुगाड़ करके फिटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके लिए हमें सीट चेंज नहीं करना पड़ता, सेम सीट में हो जाता, इसी सीट में। ठीक है, तो एक बार फ्रंट का व्यू दिखाते हैं अब। तो अब फ्रंट से दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस करा है। तो सबसे मेन स्कॉर्पियो में बैठा हूँ, स्टेयरिंग अगर पकड़ा हुआ है तो मीटर तो है नहीं इसके अंदर। मीटर भैया कह रहे थे कि छोड़ दो मीटर की, छोड़ दो, मेरे को नहीं समझ आ रहा बाकी सब चीज का। ठीक है, मीटर अगर लगा लोगे लेकिन काफी अच्छा प्यारा मीटर लगता है, लुक अच्छा आ जाता है। बस इस गाड़ी के अंदर एक मीटर की कमी है। ठीक है, मैं ये नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं कि मीटर भी कपलर लगा दिए, वीडियो शूट कर लिए फिर निकाल कर रख लिए। ठीक है, ऐसा वीडियो हम नहीं बनाते, मीटर नहीं लगा तो नहीं लगा। ठीक है, हम प्रॉपर एक जो गाड़ी में काम हुआ वही दिखा रहे हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल एड ऑन हुआ है इसके अंदर, तो स्टीयरिंग से आपको पता नहीं लगेगा, बेस वेरिएंट है ये। स्टीयरिंग इजीली आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, गाना भी दबंगों वाला चल रहा है देख सकते हो। ठीक है, तो ऑडियो नहीं चलाएंगे बाकी दिखा देते हैं। एंड्रॉइड इंस्टॉल करा हुआ है, क्रूज वगैरह वर्क नहीं करेगा, कभी आप सोच रहे हो कि क्रूज कंट्रोल भी चलेगा, नहीं, लेकिन राइट साइड वाली आपके बटन कंट्रोल नहीं करेगा, लेफ्ट साइड वाले पूरी कंट्रोल करेगा। ठीक है, कवर देख सकते हो, S11 की कट टू कट हमारा यू आ गया। ठीक है, ये जो अपना बेजल है सेंटर का, ये अपना मैट आता है, एसी क्रोम दिखाओ। ठीक है, ये तो मैं बाद में दिखाने वाला था, आपने पहले दिखा दिया यार, अच्छी लगती है। ठीक है, एक जब गाड़ी बैठे हो आप, एसी क्रोम तो ये जरूरी है। हाँ, अगर जरूरी किसी को बाहर से दिखा दिया S11 है, वो अंदर से आके भी तो पहचाने S11 कहाँ है। थोड़ी सी मिस्टेक रह गया वहाँ से, बस एक ये रह गया, और बाकी सेंटर से एक चीज और है यहाँ से पता लग सकता है, लेकिन ये भी बोल सकते हैं, देख सकते हो फ्रेम तो सेम S11 में जो आ रहा है। हाँ, अब आए, और जो अपनी ये वाला एंड्रॉइड है ये ज्यादा बेटर है जो S11 में आता, उससे भी तो उसमें इतने फीचर्स भी नहीं आते। फुली लोडेड है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो पूरी है, 4GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी, वायरलेस कारप्ले, वायरलेस अपना एंड्रॉइड ऑटो, सब चीज है फुली लोडेड। ठीक है, इसके अंदर जो है इक्वलाइजर सेटअप है। ठीक है, इसमें 360 वगैरह भी इन फ्यूचर ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसी में ऐड कर सकते हैं, बाकी देखो फ्रेम प्रॉपर है S11 वाला, कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये ब्लैक फ्रेम भी लगा के देते हैं कुछ लोग। हाँ, नॉर्मल फ्रेम लगा देते हैं। हमारे यहाँ तो मैंने सारी गाड़ी देखी है कि हम S11 वाला फ्रेम ही इंस्टॉल करते हैं, लगाते ही S11 वाले। ठीक है, इसके कैमरे की एक बार क्वालिटी दिखा देते हैं, तो ये देखो क्वालिटी, पीछे कोई बैठे हुए हैं तो प्रॉपर क्लियर दिख रहा है, कहीं से भी आपको लगेगा नहीं। ये वाइड एंगल है या फिर नॉर्मल है? ये वाइड एंगल नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल कैमरा है। वाइड एंगल की भी ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, तो ये अंदर से इतनी लाइट का मेन रीजन है, इतनी लाइट कैसे आ रही है? 150 वाट है ना।
ठीक है ये देखो 150 वॉट की एलईडी भी इंस्टॉल करी है, बोलोगे फिर भी रोशनी है तो बाहर भी तो 2500 वॉट की है। ठीक है बाहर सेटअप अच्छा करा हुआ है चामुंडा भैया ने, वो उसकी है। बाकी सनग्लास होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो अंदर से यही सारा काम करा था हमने, ठीक है। अगर किसी को स्कॉर्पियो करवानी है तो कहाँ आना पड़ेगा? इसके अंदर डैम्पिंग भी हुआ है, डैम्पिंग करी है। हाँ डैम्पिंग भी करी है, ठीक है। फाइनल वीडियो बना रहे हैं तो डैम्पिंग हमने सो नहीं कर पाए, बट डैम्पिंग भी हुआ इसके अंदर, ठीक है। डैम्पिंग कराई है नॉइज प्रूफ करने के लिए, नॉइज प्रूफ करने के लिए, डोर हैवी हो जाता है। बाकी अपने पायनियर के कॉम्पोनेंट आ गए, हाँ पाइनियर कंपोनेंट और डैम्पिंग क्या फायदा रहता है मैं दिखाता हूँ एक बार बाहर से। ठीक है एक बार बाहर से कंपैरिजन दिखाते हैं, फ्रेंड्स दिखा देते हैं डैम्पिंग का। ये देखो मैं एक बार अपनी माइक में आवाज सुनाता हूँ, ठीक है। और इसकी एकदम खोखला लग रहा है, ये खोखला लग रहा है, इधर की साउंड सुनो की रिपोर्ट है। हाँ इसमें देखो आवाज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है सॉलिड हो गया जो चाहिए ना हमें बॉडी, ठीक है। तो एक नॉइस प्रूफ कैबिन करने के लिए करवा रखा है, ठीक है। हमने पहले भी दिखाया पूरी गाड़ी भी डैम करवा सकते हो आप। तो ये जो हमारा फोर डोर और पीछे के डिक्की ऑप्शन इतनी अच्छी हो जाता है कि अगर हम इसे खोल के बंद करते हैं ना, हाँ तो एक ये कि एक हम बात है इसका जब डैम्पिंग होने के बाद, ये देखो लगता है कि जैसे हम वॉल्सवैगन ऑडी और ये डोर बंद करते हैं उस तरीके की फीलिंग आता है, ठीक है। हैवी हो जाते हैं डोर, नहीं तो अभी बिना डैम्पिंग अभी दरवाजा बंद करो तो नॉर्मली जो ब्लेरो स्कॉर्पियो जो भी है उस तरीके का आता था। तो चामुंडा भैया बैठ के आराम कर रहे हो, अभी तो वीडियो दिखा रहे थे किस किस सीटों पे बैठ गए। बैठ के आराम कर रहा हूँ फिर, अरे भैया दुनिया ने सब चीज दिखा दिया होगा, आज तक किसी ने कैप्टन सीट नहीं दिखाया होगा। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के डिक्की वाली कैप्टन सीट है देख सकते हो। तो ये रही अपने पास स्कॉर्पियो की कैप्टन सीट्स भी, ये लो बीच वाली भी है कैप्टन सीट, सेंटर की जो होती है सेकंड रो वाली। और आप बोलोगे जी पुराने हम नहीं लेकर के आते हैं, ब्रांड न्यू चेक कर लो, ठीक है बिल्कुल। पन्नी भी लगा हुआ अभी, पॉलिथिन वगैरह सारी, अभी आज उतरा ही है माल, पूरी पन्नी लगा हुआ है, ठीक है पूरी पन्नी लगा हुआ माल उतरवाया हूँ। ये भी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, किसी भाई को चाहिए आराम से ले सकते हैं, ब्रांड न्यू कैप्टन सीट, ठीक है अपने पास अवेलेबल है। हाँ तो मेन था मैं लास्ट में ये दिखाना था, हाँ, ब्रांड न्यू जो भी काम करो ब्रांड न्यू, पुराना तो इस दुकान में अलाउड नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो और हाँ एक चीज और बता रहा हूँ, किसी भाई को अगर कैप्टन सीट वाले भाई को नॉर्मल सीट चाहिए तो भी हमारे पास ब्रांड न्यू, ठीक है। अगर S11 लेके कैप्टन सीट्स है उनके, अगर वो कैप्टन सीट से बोर हो रहे हैं तो उनके लिए भी नॉर्मल सीट है मेरे पास, ठीक है। उनको हम ये वाली भी सीट दे सकते हैं, जो ये वाली सीट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं S11 वाले, ठीक है S11 वाला, S11 वाले ही दूंगा, ठीक है। अपनी तरफ से तो जो मर्जी तारीफ कर दो, जो भाई इतनी दूर से काम करवाने हैं इतने पैसे खर्च किए हैं उनकी दिल की संतुष्टि हुआ या नहीं हुआ वो तो रिव्यू में आकर के ही बताएंगे और उनसे पूछते हैं, ठीक है कितनी हमें रेटिंग मिलने वाला, काम से संतुष्ट है या नहीं है, पहले कहीं सर्च करके आए थे या नहीं सर्च करके आए, डायरेक्ट आए हैं तो एक बार हम उनसे बात करते हैं कि उनको काम कैसा लगा और किस तरीके से यहाँ पे काम हुआ और यहाँ के स्टाफ की बिहेवियर कैसा और यहाँ पे काम से संतुष्ट है या नहीं है जो भी हम बात करते हैं उनसे। सो फाइनली अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक एस का काम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल एस तो बोलेंगे क्योंकि आरसी के हिसाब से, मत करो एस को, आरसी के हिसाब से अंदर से मीटर से बोल सकते हो, बाहर से नहीं बोल सकते, बाहर से नहीं बोल सकते, आप बोल सकते भी एस, आपने पे खर्च किया आप बोल सकते हो, ठीक है। मेनली भैया का नाम जानते हैं, वो कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गिरीश है, मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, अच्छा जी, ठीक है। लगभग 900 किलोमीटर है। मेनली आपको पता कैसे लगा जय ऑटो के बारे में? भैया मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब देख रहा था ऐसे स्कॉर्पियो के बारे में ही, ठीक है। तो मैंने भैया का एक वीडियो देखा, हाँ जी, तो मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। ये मतलब काफी अच्छे से हर चीजों को बहुत ही संभाल करके उसको बिल्ड कराते हैं और बहुत अच्छे से इंस्टॉलेशन इनका होता है, सफाई तो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वीडियोस देखी आपने, फिर कांटेक्ट करा चामुंडा भैया को? मैंने ट्राई करा हुआ था पहले कहीं, जी हाँ मैंने 2-3 जगह देखा था, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा भैया का लगा, ठीक है। तो मैंने इन्होंने व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह भी किए थे, तो बार बार उधर से इनको चैटिंग किया जा रहा है, बार बार कॉल किया जा रहा है, बार बार इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कबूतर को दाना डालो और खींचो, ठीक है। एक होता कि ग्राहक फोन कर रहे हैं, संतुष्टि लेते हैं, आपसे एक बार बात कर लिए, अब दो जगह बात करेंगे, अगर उनके जहाँ पे दिल करेगा वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। भैया आज यहाँ पे गाड़ियाँ जो आप स्कॉर्पियो करवा रहे हो, साथ ही और भी स्कॉर्पियो थी यहाँ, जी भैया सबका काम देखा, हाँ
ऐसा तो नहीं किसी के लिए अच्छा ट्रीट कर रहे हो या किसी के लिए नहीं, कम, सबको इक्वल। आपने देखे 14-15 स्कॉर्पियो लगा था तो किसी से कोई कलेश या किसी से कोई ऐसा कोई शोर बचा रहा हो कि मेरी गाड़ी में ऐसे कर दिया, ऐसा तो नहीं किसी का कम बजट का करा रहे हो उनको चामुंडा भैया ट्रीट नहीं कर रहे ढंग से, सबको इक्वल ट्रीटमेंट थी। 15-15 हजार और रात को 8 बजे भी गाड़ी है उनको भी करके दिए, सबका नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लास्ट में जैसा हम एक रेटिंग लेते हैं 10 में से आप कितनी देना पसंद? मुझे देना होता तो मैं 11 देता, लेकिन मैं 10 out of 10 ही दूंगा। मुझे देना होता मैं 11 upon 10 ही देता। ठीक है, तो इन फ्यूचर दोबारा मौका मिले विजिट करेंगे। बिल्कुल, मैं अपने फ्रेंड को यही सजेशन दूंगा अगर स्कॉर्पियो वो ले रहे हो तो एक बार भैया के यहाँ जरूर विजिट करें। ठीक है चामुंडा भैया, पूरा विश्वास है कि बेस्ट से बेस्ट उनको जो भी वो चाहेंगे उनको मिलेगा। पैसा वसूल काम हुआ जी सर? बिल्कुल, कोई कह सकता है ऐसे लेवल नहीं है यार, कोई तो काटो चामुंडा भैया के नंबर यार। अभी तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ही रहेंगे चामुंडा भैया, बचते जा रहे, कभी ना कभी तो कटाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ 2018 के बाद से आप लोगों ने इतना प्यार दिए कि मैं एक छोटी सी दुकान से उठ करके एक नॉर्मल सा इंसान इस लेवल पे आ सकता हूँ विश्वास नहीं था, और ये सब बस आप लोगों की प्यार है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखो अपने छोटे भाइयों के लिए और आगे मौका देते रहो, और अच्छी से अच्छी मॉडिफिकेशन करके आप लोगों के लिए लग करके आऊँगा। जिस तरीके से भैया बिल्कुल संतुष्ट होकर के जा रहे हैं, खुश होकर के जा रहे हैं, आप भी इस मौका का फायदा उठा सकते हो जोड़ों में मॉडिफिकेशन करवा के। और मैं क्या बोलूँ, तो एक बार आप विजिट कीजिए, मैं बोलूंगा एक तरीके से कि पता लग जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। बेशक आप देख लो, करवाओ मत, देख लो कैसा काम हो रहा है स्कॉर्पियो में, देख सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, स्टाफ की बिहेवियर देख सकते हैं, काम करने का तरीका देख सकते हैं, फिर आपको अच्छा लगे तो काम करवाइए, नहीं तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं, बट एक बार आप आकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया, आना कहाँ पड़ेगा पहले ये बताओ? जय ऑटो रामा रोड मोती नगर DLF के पास आपको आना होगा, यहाँ पे मिलेगा सोनू भाई और चामुंडा भाई, यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट मिलेगा आपको, और आप लोगों के लिए डिस्काउंट भी मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करके आओगे तो अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी चैनल सब्सक्राइब करके आता है और इंस्टाग्राम के फॉलोअर करके आता है दिखाता है तो उनके लिए अलग से डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल, तो वीडियो को एंड करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।